ये है भारत का ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, जहाँ पृथ्वी आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। यहाँ एक सन्नाटा है जो दूर से चील की आवाज या प्रेयर फ्लैग की सरसराहट से टूटता है। इस विशाल, खाली, कठोर और भव्य जगह में है ओल्ड मोनेस्ट्रीज, जिनकी पुरानी दीवारें उन भिक्षुओं के मंत्रों से गूंजती हैं जो सदियों से इस अमेजिंग लैंडस्केप में अपनी खोज में लगे हुए हैं। इस एंशियंट जगह में ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। जैसे ही सूरज इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे डूबता है, एक ब्लैक कैनवस पर आपको अपने जीवन का सबसे सुंदर नाइट स्काई दिखता है। यहाँ कितनी ही जगह अनटच्ड होंगी जो पृथ्वी के बनने से आज तक वैसी ही होंगी। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी और फीलिंग देता है। ये है स्पीति, एंड वेलकम टू माई स्पीति सीरीज। कल्पा में एक बहुत ही अमेजिंग नाइट और बेहद ही खूबसूरत सुबह देखने के बाद आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे थे। मेरे कल्पा तक के सफर को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज हम कल्पा से 110 किलोमीटर दूर काजा तक जाने वाले थे, जिसमें हमें एज पर गूगल 6 घंटे लगने वाले थे। इस जर्नी में हम आउट ऑफ द वर्ल्ड मार्शल लैंडस्केप देखने वाले थे। तो हम रुके थे होटल वाइल्ड ट्रेल, एंड इट इज सच अ गुड प्लेस टू स्टे। चारों तरफ देखो आप, इतने ज़्यादा लिटरली फॉरेस्ट है और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया। द ओनली थिंग इज दिस, यहाँ से उतारना और यहाँ से उतारना विल बी ईजी, बट चढ़ाना बहुत मुश्किल था। मैं फर्स्ट अटैम्प में नहीं चढ़ा पाया था, देन जिया टुक द कार एंड शी फाइनली मेक अस कम हेयर एक्चुअली। तो अभी हम उतार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। लुक एट द व्यू, दैट वाज आवर स्टे, द होटल वाइल्ड ट्रेल एंड रेस्टोरेंट। इधर से नहीं है? नहीं नहीं, वो वाला था, वो एक्चुअली। आज रात हम रुकने वाले हैं काजा, दैट इज स्पीति, आवर फाइनल डेस्टिनेशन। कल्पा की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। कल्पा से मैं बहुत ही इम्प्रेस था। कल्पा से आगे बढ़ते ही हम पहाड़ों के अंदर से जाना शुरू हो गए। सतलुज नदी के साथ साथ हम घाटी से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। ड्राइविंग ना करने में भी बहुत मजा है, ड्राइविंग करने में भी बहुत मजा है। दोनों चीजें कर सकते हो आप, बारी बारी से कर सकते हो, दोनों को आती हो तो। हाँ, यस। कहा विलेज से हम सतलुज नदी को छोड़कर स्पीति नदी की तरफ मुड़ जाते हैं।
महाविले से चाइना बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। वाओ, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल रास्ता। दिस प्लेस सो मेनी हेयरपिन बेंड्स। इट्स अगेन सरियल प्लेस। Now we are at 12,500 feet and we have crossed Nako and Tabo, or Tabo is on the way. It's our next reference point. लगभग 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव काजा से 50 किलोमीटर दूर है, यानी अभी हमारी आज की जर्नी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई थी। बहुत ही अलग तरह के ताबो के बाद से लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया था। अब बहुत ही अलग अलग तरह के पहाड़ दिख रहे थे जो किसी मार्स रोवर द्वारा ली गई फोटो की याद दिला रहे थे। This is the beautiful view from which we are going right now. Right now it's 5:50 and we are a bit late to reach to Gaza, but never mind. We ran into some problem with our vehicle. पूह के बाद से घाटी चौड़ी हो गई थी। सूरज की रेस घाटी में पड़ रही थी जिससे पूरा लैंडस्केप ग्लो कर रहा था। शाम के 7 बज चुके थे लेकिन काजा अभी भी 20 किलोमीटर दूर था। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 3 एंड वी आर एट काजा। राइट नाउ इट्स 7 AM एंड यू कैन सी द वैली, दिस इज ईस्ट। सो अभी तक सूरज आया नहीं है पूरी वैली में, और कल हम यहाँ पर आए थे रात के 8 बजे। इट वॉज डार्क, so we came and had a breakfast and slept early, not early actually. Yahan pe, you know, yahan pe Milky Way dikhi thi hame, and I woke up till 1 am to capture the Milky Way, and I have captured it beautifully. Mausam bahut saath de raha hai abhi, hopefully aisa deta rahe. It feels good to finally be at Gaza. By the way, in Gaza, for the first day, I am right now in Zostel. It's a good property. And food was also good here. So you can you can try this. So all right, I'm nikal chuke hain. It's around 10:30 AM and hum ja rahe hain Key Monastery, which is around 30 minutes from here. और उसके आगे लगभग 20 मिनट का और रास्ता है चीचम ब्रिज के लिए, तो हम वहाँ भी जाएंगे। और फिलहाल तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं प्लांट, बट ऑन द वे देखते हैं और कुछ अच्छा दिखता है तो वहाँ भी चले जाएंगे, बिकॉज वी हैव टाइम। आज भी हम काजा में ही रुकने वाले हैं। सी काजा हैज़ टू ऑफर। काजा में घाटी बहुत वाइड है और नज़ारा बहुत ही मैग्निफिसेंट लगता है।
की मोनास्ट्री के बाद हम निकले हैं एशिया के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज की ओर, और क्योंकि ये एशिया का हाईएस्ट है तो एल्टीट्यूड गेन तो करना ही पड़ेगा। कुछ 30 मिनट बाद ही हम चीचम ब्रिज पर थे। So this is Chichum Bridge, the highest suspension bridge in Asia. And look at the view. The wind here is so fast and the valley down is so deep. It's so scary as well as exciting both. Hello. बहुत मजा आया, हमको खाली मिल गया है लगभग लगभग। यहाँ नाश्ते के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। हमने भी यहाँ मैगी खाई और व्यूज एंजॉय किए। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी तो ब्लॉगिंग तो इम्पॉसिबल थी ही। How are you feeling, Gaurav Dwivedi? A bit dizzy. A lot of dizzy. Hopefully, food and good sleep will correct it. Yeah. So and good. Yes. मैं भी बहुत, मेरा बहुत हेडेक हो रहा है अभी इस वक्त, और हमें तो लगा कि बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई है। So we went to a hospital. वहाँ हमने अपना ऑक्सीजन चेक कराया, but oxygen is fine. डॉक्टर ने कहा कि खाओ पियो और रेस्ट करो। And as per Kaza standards, it's 87, 89 is standard here. It's not 95 or 97 here. Yes, this Kaza standard के हिसाब से ठीक है, यानी कि 87 to 89, 90 के आसपास हमारा ऑक्सीजन लेवल है, which is okay. But यहाँ से आगे जाने का, यानी कि चंद्रताल लेक हमें कल जाना है, वहाँ जाने का मेरा तो मन नहीं कर रहा है। और दिन में मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब मुझे लग रही थी कि हो गई है, सिर्फ सर क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था। लेट्स सी, अभी ये खाना खाते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगला पार्ट है चंद्रताल।